नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा के नवनियुक्त उपायुक्त प्रदीप कुमार ने वीरवार को अपना कार्यभार संभाल लिया। उपायुक्त सिरसा के कार्यभार संभालने से पहले प्रदीप कुमार निदेशक मौलिक शिक्षा एवं अतिरिक्त सचिव हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके पहले वर्ष 2000 से 2001 तक डबावाली में एसडीएम व वर्ष 2016 में सिरसा के अतिरिक्त उपायुक्त के पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि आम जन को सरकारी सुविधाओं का लाभ सरलता से मिल सके। इसके अलावा नागरिकों को समस्याओं का निदान तत्परता से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग से तत्कालीन और तालमेल स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला को नशा मुक्त बनाने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान के तहत गंभीरता से कार्य किया जाएगा और जागरूकता अभियान के लिए तेजी लाकर के जन जन को इस मुहिम के साथ जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि नागरिकों के पूर्णतः सहयोग से ही जिला प्रशासन नशे को जड़मूल से समाप्त कर सकेगा। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट तो जो लोगों की समस्याएं होती हैं, चाहे उसमें सामूहिक हों या इंडिविजुअल हों, तो पब्लिक रिड्रेसल सिस्टम पर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, ताकि कोई भी पब्लिक मैन हमारे पास आता है, किसी भी ऑफिस के अंदर जाता है, तो कोई उसको समस्या ना रहे, तो उनकी समस्याओं का निवारण करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। इसके ऊपर भी हम हेल्थ ऑफिशियल्स के साथ पूरा डिस्कस करेंगे, तो क्या कारण है, क्यों बढ़ रहे हैं, तो उसको पूरा कोशिश करेंगे कि कंट्रोल करें। उसमें सैनिटाइजेशन करना है या लोगों को थोड़ा और जानकारी देनी है, लोग थोड़े समझदारी से काम करेंगे। ऊपर प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी काफ़ी है कि भाई हमें और इसको लाइटली नहीं लेना, तो वही इशू कारण होते हैं, तो उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा। किसानों से हम अच्छे ढंग से बातें करेंगे, ताकि वो कोई किस तरह की समस्या हो उनकी, चाहे धान की परचेज की है या कोई और किसानों की इंडिविजुअल समस्याएं हैं या तो कोई गिरदावरी की है, हर समस्या का समाधान किया जाएगा और उनसे बातचीत करेंगे, जो भी इशू होंगे उनको सॉर्ट आउट कर लेंगे। मैं इस बेल्ट के अंदर मैं 2000 में जब एसडीएम था, उस टाइम से भी मेरे को आइडिया है, तरह है लोगों को थोड़ा, देखो अभी एजुकेशन भी इस बेल्ट में काफ़ी अच्छी होने लगी है, एजुकेट करेंगे और उनका थोड़ा इस बारे में जागरूक करेंगे, तो वही सबसे समाधान है कि हर इंडिविजुअल इसमें सरकारी तंत्र के अलावा जो जागृति है, जो एनजीओ हैं, आप लोग और हम हैं, एजुकेशन के थ्रू ही समाधान कर पाएंगे, वही सोल्यूशन है।